हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर आज मेरा एनिवर्सरी था, तो हम लोग दोनों यहाँ पर मंदिर में आए हुए हैं पूजा करने के लिए। तो ये शिव मंदिर है और मैं सोमवार को भी आई थी और आज है मंगलवार, और मंगलवार को आज हम लोग का एनिवर्सरी पड़ा। तो यहाँ पर बस आ गई हूँ पूजा करने के लिए, और आज थोड़ा लेट हो जाएगा इनको ड्यूटी जाने में, क्योंकि हमेशा तो ये बस से जाते थे और ये सब पूजा वूजा करने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो 8 बजे इनका ड्यूटी का टाइम है, तो यहाँ पर इस पूजा करने में टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए ये थोड़ा देर से जाएंगे। और अभी घर जाके नाश्ता भी बनाना है, क्योंकि जल्दी जल्दी उठी तो झाड़ू पोछा और बेड वेड सरियाना, रूम सरियाना में काफ़ी टाइम लग गया। तो यहाँ पर बस वही सब की, और नाश्ता नहीं बनाई हो, बस ऐसे ही आटा सान के रख दी और बस सब्जी वब्जी काट के रख दिए थे। तो अभी टिफ़िन भी इनका बनाना होगा। तो यहाँ पर बस अब पूजा वूजा करके बस आ गई और ये नाश्ता भी कर लिए हैं, अब ये ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये ड्यूटी के लिए निकलते हैं, उसके बाद कुछ होगा तो अपना घर का काम करूँगी। तो यहाँ पर हम, मैं और बाबू और बाहर में भैया भी थे, तो यहाँ पर शे ऑफ कर देते हैं, उसके बाद जाऊँगी अपना। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब ये ड्यूटी के लिए निकलेंगे। और प्रसाद चढ़ाई थी ये लड्डू, तो भाभी को और आंटी जी को ये दे देती हूँ जाके। तो जो ट्रे था वो भी नहीं मिल रहा था, तो एक एक करके मैं दी, तो यहाँ पर भाभी को दे दी हूँ। और ये है आंटी जी, मेरी मकान मालकिन हुई, जिनके घर में मैं रहती हूँ। और यहाँ पर बाबू को लेके आई थी, तो बस अभी बिस्किट बाबू को दे देते हैं। ऐसे तो वो खाती है नहीं ज़्यादा, मेस ही देती है, देती हूँ उनको, कुछ खाएगी वो। और लड्डू दी थी, तो लड्डू अच्छे से वो खा ली, और बस अभी जा रहे, थोड़ा इसको बिस्कुट देते हैं, खिलाते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी भी रख गई है, नहा फिसली है वो, और यहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी। मैं भी, मेरा भी सारा काम हो गया था, तो मुझे भी थोड़ा मन लगता है, तो इसलिए इसको रखती हूँ अभी, जब तक इसकी मम्मी कुछ काम कर ली।